हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला। और बच्चों, हम लोग क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 100% कंप्लीट कर चुके हैं। यानी एसेक्स जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कितने तरीके से अलैंगिक जनन पाया जा रहा है जीवों में और पौधों में, उसके सारे बारे में हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद बच्चों, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जाना यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना, जो दो तरीके से होता है, आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसमें कौन कौन सी पद्धतियां काम कर रही हैं। कुछ नेचुरल तरीके में आपका ट्यूबर से नया पौधा निकल आता है, उसके बाद फिर आपका राइजोम से, कॉर्म से, इससे आपके नए पौधे डेवलप हो जाते हैं। फिर आपका एक मतलब देखिए, तीन तरीके से नेचुरल प्रोपगेशन हो सकता है। एक तो वो तने से हो सकता है, दूसरा वो जड़ से हो सकता है, और पत्तियों से भी हो सकता है। तो जिसमें आपका एक बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है अजूबा की पत्तियों का, ब्रायोफिलम की, जो पत्तियों के बीच में नॉच होती है, उससे एक नया पौधा डेवलप होने लगता है। उसके बाद फिर हमने बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जान लिया था पिछले सेशन में, जिसमें हमने ये जाना था कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग के से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जिसमें सबसे उन्नत जो आपकी शैली है, वो है आपका टिश्यू कल्चर का, जिसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। अब हम लोगों का अलैंगिक जनन कंप्लीट हो चुका था, तो फिर हमें अब आगे पढ़ना है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जीवों में जो लैंगिक जनन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, और उस लैंगिक जनन में कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया काम करती है। अभी हम लोग इस चैप्टर में एक जनरल ह्यूमन बीइंग और कुछ जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, और आगे के कुछ चैप्टर्स में हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को उनके पार्ट्स के बारे में भी जानना है, तो वो धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। और मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने साइकिल के बारे में पढ़ लिया था कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में कुछ साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उसके बाद आगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हम लोगों का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जीवों में जनन, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया था। फिर हमें पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने ये जान लिया था, जो बेसिक सा एकदम कॉन्सेप्ट है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूजन करते हैं या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और उससे जब वो डेवलपमेंट करता है तो सेल डिवीजन के थ्रू एक नया शिशु या नई संतति का निर्माण हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रावस्थाएं होती हैं। मैंने आपको पहले कल बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि कुछ नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें आपका उस्ट्रस साइकिल होता है ना। पहले शिशु अवस्था होती है, उसके बाद फिर बाल्यावस्था होती है, फिर आपको पढ़ना है जुवेनाइल फेज या किशोरावस्था के बारे में, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में स्टडी करना है आपको, ठीक। इसका सबका नियंत्रण किसके द्वारा होता है बच्चों? हॉर्मोन्स इनको रेगुलेट करते हैं। कुछ जंतुओं में जैसे मनुष्य में जब रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्ट होता है, तो उस समय पे बच्चों कुछ सेक्सुअल सिम्टम्स हैं जो आपके दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो दिखाई पड़ते हैं, है ना। नॉन प्राइमेट्स में आपके जैसे गाय, भैंस, भेड़, चूहा, कुत्ता, फिर आपका हिरन, चीता यानी बिल्ली प्रजाति के सभी प्राणी, इनमें जनन के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन या साइक्लिक चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊस्ट्रस साइकिल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊस्ट्रस साइकिल। आपको इतना ही जानने की जरूरत है। और जो प्राइमेट्स होते हैं, ये नॉन प्राइमेट्स में हो गए, नॉन
प्राइमेट्स में, ठीक। इनमें क्या होता है, ऊस्ट्रस साइकिल होता है। और जो प्राइमेट्स होते हैं बच्चों, इन प्राइमेट्स में इसी साइकिल्स को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। आप सभी को पता है कि जब ब्रीडिंग का एक फिक्स टाइम होता है बच्चों, जब सीजन होता है तभी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं मद चक्र, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक। हम ह्यूमंस की बात करें तो मंथली पीरियड पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, और जब ये स्टार्ट होते हैं तब ये माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं बच्चों, यही आपके सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो जो ये आपके नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इन्हें ही आप क्या कह सकते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, सीजनल ब्रीडर्स। अब लर्न करना है तो एक फ्लो चार्ट टाइप का आप बना सकते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये आपके कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। आपके ये कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। मतलब इसमें एक बार रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने के बाद, वो जब तक रिप्रोडक्टिव फेज खत्म नहीं होती, यानी जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म नहीं होता है, जब तक मीनोपॉज नहीं होता है, तब तक वो शिशु को, नए शिशु को जन्म दे सकते हैं, यानी वो कहलाते हैं आपके सतत प्रजनक। ये आपके कहलाते हैं सतत प्रजनक, और सीजनल ब्रीडर्स जो हैं ये आपके कहलाते हैं मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया है कि नॉन प्राइमेट्स में सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और प्राइमेट्स में आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। प्राइमेट्स में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसे आप ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, और नॉन प्राइमेट्स में आपकी ऊस्ट्रस साइकिल होती है, जिसे आप मद चक्र कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बच्चों, ये घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। आप सभी को पता है कि वो क्रम फिक्स है कि इस क्रम में ही ये घटनाएं होंगी। तो ये तीन अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिनमें इसको बांटा जा सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन अलग अलग प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसे आप फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाएंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, और उसके बाद जाइगोट का निर्माण होना, और उस जाइगोट के डेवलपमेंट से नए शिशु का निर्माण होना जो है, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की घटना को दर्शाता है। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना में जो फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रावस्था होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, और उसके बाद आपका मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निषेचन। और फ्यूजन के बाद जो प्रक्रिया होती है, यानी फ्यूजन के बाद जो स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों निषेचन पश्च घटनाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स,
और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन की घटना, और उसके बाद आपका आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक। तो आपकी कौन कौन सी तीन घटनाएं होती हैं, ठीक। सभी जानते हैं इसके बारे में, पर आपको जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में ब्रीफ जानना होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी घटना होती है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, आप सभी को पता है। पर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आता कहाँ से है, तो वो फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं जिनमें आपका क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, तो निषेचन पूर्व घटनाओं में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो निषेचन पूर्व घटनाएं जो होती हैं आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या आपकी जो निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, इनमें इनमें आपके दो इवेंट्स होते हैं। निषेचन पूर्व घटनाओं में आपके दो इवेंट्स होते हैं, यानी कि दो घटनाएं होती हैं। आप इसको एकदम साधारण, सरल से कठिन जाइए बच्चों, एकदम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई खाना पकाना है तो उसके लिए आपको कच्ची सामग्री का उसकी व्यवस्था करनी होती है। जब आपको मान लीजिए कि सब्जी बनानी है, तो उसके लिए आपको सब्जी, तेल, मसालों, हर चीज की व्यवस्था होगी, तभी तो खाना बन पाएगा। उसी प्रकार से जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट होना होता है, तो उसके पहले ही प्रकृति उसमें यूज होने वाली सामग्री यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो निषेचन पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जीवों के शरीर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसमें क्या होती है बच्चों, इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले दो मेन घटनाएं होती हैं, जिसमें क्या कहते जिसको क्या कहते हैं युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। युग्मक जनन यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, तो पहली घटना है आपका गमीटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक युग्मक जनन, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो जेनेसिस, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपल आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपकी गमिटेंजिया होती है, जो आपकी युग्मक धानी होती है, युग्मक धानी, और वो नर और मादा दोनों की बात हो रही है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, युग्मकों के निर्माण को यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को, गैमेट फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन, और गैमेट्स फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक निर्माण यानी जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये गैमेट्स कैसे होते हैं बच्चों, आप सभी को पता है कि ये सारे गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, हैप्लॉयड यानी कि एन होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉयड यानी कि टू एन हो जाते हैं, ठीक।
तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब समझ में आ गया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले देखिए फर्टिलाइजेशन में किसकी जरूरत है, गैमेट्स की। तो गैमेट्स की जरूरत है, लेकिन वो कैसे पूरी हो रही है, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है उसमें युग्मक जनन की जो प्रोसेस हो रही है उसमें गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, और उसमें मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन हो रहा है, यानी युग्मकों का निर्माण हो रहा है। तो वो मेल और फीमेल दोनों युग्मकों का निर्माण हो रहा है। अब ये युग्मक भी बच्चों दो तरीके के होते हैं, है ना। गेमिटोजेनेसिस में भी जो ये गेमिट्स बनते हैं ये दो तरीके के बन सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एक तो होते हैं आपके गेमिट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो गेमिट्स आपके होते हैं दो प्रकार के। गेमिट्स कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके हो गए आइसोगेमिट्स, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, या होमोगेमिट कहते हैं इनको, होमो गेमिट, क्लियर है। उसके बाद दूसरे प्रकार के गेमिट्स आपके होते हैं हेट्रोगेमिट्स, हेट्रो गेमिट्स यानी कि आपके विषम युग्म की। ये कैसे हैं आपके विषम युग्म की, और ये आपके कैसे हैं बच्चों, ये आपके हैं सम युग्म की। तो पहले हम बात कर लेंगे सम युग्मकों के बारे में कि ये कैसे होते हैं। सम युग्मक का मतलब कि कुछ शैवालों में ऐसा देखा गया है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में ऐसा देखा गया है कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है दोनों कैसे, अंदर से तो वो मेल और फीमेल हैं लेकिन देखने में, यानी जो उनका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो बाह्य संरचना है, तो देखने में वो एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। मतलब देखने में वो नहीं आप पता लगा सकते हैं कि वो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। जैसे हम क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास का कुछ इस तरीके का गैमेट्स होते हैं, इसमें क्या है आपका, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है और इसमें है आपके आइसोगेमेट्स, ठीक है, इसमें आपके समयुग्मक। ये देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं ये आपको देखने में, तो आइसोगेमेट्स या होमोगेमेट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। मतलब बाहर से देख के आप कहाँ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है ना, एक जैसे दिख रहे हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होते हैं, ठीक, लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और इसमें से एक मेल हो सकता है और दूसरा फीमेल हो सकता है। तो ये आइसोगेमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा है ना। और उसके बाद ये एक टाइप की क्या है आपकी, शैवाल है, ये आपकी एक टाइप की एल्गा है। इसमें आपके मेल और फीमेल गेमिट देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं को हम समयुग्मक कहते हैं, ठीक। फिर अब हम बात करेंगे विषम युग्मकों की, यानी कि हेट्रोगेमेट्स की। तो एल्गा में आपके सम युग्मक पाए जा रहे हैं, पर जब हम विषम युग्मकों की बात करते हैं तो हम बात करेंगे हम विषम युग्मकों के बारे में। तो इसमें जो ज्यादातर लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल रूप से या आकारिकी रूप से दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। एक कौन सा आपका होता है, मेल गैमेट, और दूसरा होता है आपका फीमेल गैमेट। दो तरीके के युग्मकों का निर्माण हो रहा है, मेल, अभी हमने बात कर ली गैमेटोजेनेसिस की, अब गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है आपका, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इसमें जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, तो इसमें मेल गैमेट को क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम
स्पर्मेटोजोआ या माइक्रोगेमीट कहते हैं। तो नर युग्मकों को हम क्या कहते हैं, जो मेल गैमीट होता है यानी नर युग्मक होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोगेमीट, माइक्रो गेमीट कह सकते हैं या आप इसको क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक, या इसको आप केवल स्पर्म भी कह सकते हैं, इसको आप केवल स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं बच्चों, फीमेल गैमेट को कहते हैं अंड या ओवम, इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओवम और एग, ठीक। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का नाम क्या है ये आप सभी को समझ में आ गया। अब इसमें ये देखने में भी मतलब व्यवहार में तो बिल्कुल अलग होते ही होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और ये आपके देखने में भी अलग होते हैं, ठीक है। जो आपकी फीमेल गैमेट होती है वो साइज में बड़ी होती है और मेल गैमेट हमेशा साइज में छोटा होता है। और क्या होते हैं ये, अधिकतर कोई फ्लैजेला इनमें, जैसे इसमें ये आपका फ्लैजेला पाया जा रहा है तो उसमें भी किसी प्रकार का फ्लैजेला नहीं पाया जाता, ये आपका कशाभ, इसको आप कहते हैं कशाभ, तो ये इसमें ज्यादातर कशाभ रहित तो होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी दिया गया है हेट्रोगेमिट्स के बारे में, ठीक है, आपका एक फ्यूकस का हेट्रोगेमिट्स। अच्छा, आपने जब कभी आपने किसी फर्न का पौधा देखा होगा जिसमें बहुत पतली पतली बहुत लंबी सुंदर पत्तियां होती हैं, उसके पीछे आपके स्पोर्स का भी जनरेशन आपने देखा होगा, है ना। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जब हम बात करते हैं तो आप ये मानिए कि मान लीजिए ये है आपका ओवम, ठीक है, और इसके बाद ये है आपका मेल गैमेट, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं स्पर्म, और ये है आपका ओवम। तो ये साइज में आपका ओवम क्या होता है, साइज में ये बड़ा होता है, ये आपका साइज में बड़ा होता है हमेशा, और स्पर्म साइज में हमेशा बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये साइज में क्या होता है आपका, छोटा होता है, ये साइज में छोटा होता है। तो इसमें जो ये फ्लैजेला होता है बच्चों, इसका यूज केवल जब ओवन तक पहुंचने में इस फ्लैजेला का थोड़ा यूज होता है तैरने के लिए, और उसके बाद फिर ये फ्लैजेला आपका अलग हो जाता है, उसका फिर कोई यूज नहीं होता। तो हेट्रोगेमिट्स किसे कहते हैं, एक बार फिर से जानेंगे कि कुछ शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास में नर और मादा दोनों युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन्हें हम होमोगेमिट्स या आइसोगेमिट्स या होमोगेमिट्स या आइसोगेमिट्स या समयुग्मक कहते हैं। उसके बाद अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आकारिकी रूप से यानी मॉर्फोलॉजिकल तरीके से दो प्रकार के युग्मक यानी कि दो प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनके मेल गैमेट्स को बच्चों हम माइक्रोगेमिट कहते हैं क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं, या इसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक। मेल गैमेट को हम माइक्रोगेमिट कहते हैं या स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, और माइक्रोगेमिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में छोटा होता है, ये आपका साइज में छोटा होता है, ठीक। उसके बाद बच्चों फीमेल गैमेट को हम ओवम या एग कहते हैं, और ये कैसा होता है, आपका साइज में बड़ा होता है, और इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार की जो स्टेज है इसे हम हेट्रोगेमेटिक स्टेज कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोगेमेटिक स्टेज कहते हैं, हेट्रोगेमेटिक स्टेज, इस टाइप के स्टेज को हम हेट्रोगेमेटिक स्टेज कहते हैं, या इसे हम विषम युग्मकी भी कहते हैं,
इसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। अब जीवों में लैंगिकता के आधार पे दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो आपके पाए जाते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और दूसरे आपके होते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसा कि जिन प्राणियों में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें क्या है आपका, देखिए मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन वन पेरेंट या एनिमल। ये आपका कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, यानी कि जिसमें आपका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका है अर्थवर्म, यानी कि केचुआ आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अर्थवर्म, लीच, और आपका आता है बच्चों लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक यानी कि आपका केचुआ द्विलिंगी जंतु है, फिर आपका लीच भी द्विलिंगी जंतु है, लीवर फ्लूक आपका द्विलिंगी जंतु है, और स्पॉन्ज भी आपका द्विलिंगी जंतुओं में आता है, यानी उसमें भी आपका। अच्छा, फ्लावर्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लावर्स भी बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब आप जब ये गुड़हल के फूल की बात करते हैं तो वो आपका बायसेक्सुअल होता है, और जब आप पपाया के फ्लावर्स की बात करते हैं तो वो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं। पर यहाँ पे हम किन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स यानी कि जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, पहले हम बाइसेक्सुअल ही जान लेते हैं। बाइसेक्सुअल जो होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, बाय सेक्सुअल इज इक्वल टू, इनको क्या कह सकते हैं आप, मोनोइशियस और ये क्या होते हैं आपके, हर्माफ्रोडाइट, यानी उभयचर होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों यूनिसेक्सुअल की। अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जिसमें यूनिसेक्सुअल जो होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, ये डायोइशियस होते हैं। यानी इनके मेल और फीमेल जो प्राणी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अलग अलग शरीर पे मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एक लिंगी। जैसे आप मनुष्य की बात करें तो लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका आता है तिलचट्टा या कॉक क्रोच, उसके बाद आपका गाय, आपका कुत्ता, फिर आपका मनुष्य, बहुत सारे प्राणी आपके एकलिंगी भी पाए जाते हैं, चीता। ठीक है, अब इसमें बच्चों ये आपका हो गया कि जीवों में लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, एक तो आपका यूनिसेक्सुअल और दूसरा आपका बाइसेक्सुअल। फिर जब हम पुष्पों की बात करते हैं बच्चों, तो एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं, है ना, तो द्विलिंगी पुष्प और आपके एकलिंगी पुष्प। जैसे जंतुओं की बात हो रही है ऐसे ही पौधों की जब हम बात करेंगे तो उनमें भी एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इसमें भी क्या होगा, द्विलिंगी में आपके मेल और फीमेल जो जनन संरचनाएं हैं वो एक ही पौधे पर पाई जाएंगी, और इसमें जो जनन संरचनाएं हैं वो अलग अलग पौधे पर पाई जाएंगी। इसमें
male and female both are present. Both are present on one flower. ठीक, और इसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर आपका अलग होता है. मेल फ्लावर अलग और आपका फीमेल फ्लावर अलग. ठीक, ये कैसे होते हैं? ये दोनों बोथ आर डिफरेंट. ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ. ठीक है, अब बच्चों युग्मक निर्माण यानी कि जब हमने गैमेट्स फॉर्मेशन की बात करी तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान आपका क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. जब जिस समय आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. तो जो आपके गैमेट्स होते हैं, पहले हम बात करेंगे युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन की. युग्मक निर्माण के दौरान हम कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की बात करेंगे. कोशिका विभाजन की बात करेंगे. ठीक, जब इसकी बात करते हैं तो जो गैमेट्स होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं. हैप्लॉयड का मतलब एन नंबर्स में होते हैं. गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? गैमेट्स आर हैप्लॉयड यानी कि एन कैसे होते हैं? अगुणित. अगुणित होते हैं. उसके जनक चाहे अगुणित हो या द्विगुणित हो. जनक मतलब उसका जो पेरेंट है वो हैप्लॉयड या डिप्लॉयड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड ही होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं. और अगुणित जनकों में जो युग्मकों का निर्माण है यानी कि हैप्लॉयड जो पेरेंट्स होते हैं, हैप्लॉयड जनकों में युग्मकों का निर्माण होता है और उसमें क्या होता है? एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है. युग्मकों का निर्माण जब होता है बच्चों, तब उसमें आपका कौन सा विभाजन होता है? आपका समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है. और जब द्विगुणित युग्मकों की बात, द्विगुणित जनकों की बात आती है, डिप्लॉयड की बात आती है, डिप्लॉयड जनकों में युग्मकों का निर्माण, इसमें आपकी कौन सी होती है? इसमें आपका समसूत्री विभाजन, या इसके बारे में हम कल बात करेंगे, समसूत्री विभाजन. और इसमें क्या पाया जाता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन. अब वो अंडरस्टूड है कि जब हैप्लॉयड है तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा यानी कि हैप्लॉयड जनक से दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो वो हैप्लॉयड हैप्लॉयड ही होगा. और डिप्लॉयड से अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी जो 2n है वो n और n में टूट जाएगा. तो उसमें माइटोसिस और मियोसिस की ये प्रक्रिया होती है. माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया होती है. इसको आप नोट कर लें बच्चों अपनी कॉपी में. बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती हैं उनके बारे में जाना. आपको सिंपल मैंने समझने को बोला कि जैसे कुछ भी खाना बनाना है तो खाना बनाने से पहले हमें उसकी कच्ची सामग्री की व्यवस्था करनी होती है, ठीक उसी प्रकार से जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट होना होता है तो उसके पहले कुछ प्रावस्थाएं होती हैं जिसमें प्रकृति गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. वो नेचुरल तरीके से होता है और जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तभी तो बच्चों फर्टिलाइजेशन की या संलयन की प्रक्रिया हो पाती है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने गैमेटोजेनेसिस के बारे में जाना जिसमें आपका युग्मकों का निर्माण हो रहा है यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं. उसमें हमने द्विलिंगी और एकलिंगी जंतुओं और द्विलिंगी और एकलिंगी पुष्पों के बारे में जाना, कुछ एग्जाम्पल्स भी जाने. और अगली कक्षा में हम
इसके बारे में और आगे जानेंगे कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं या युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।